ओके दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले इंडियन मार्केट के दो कमाल के 5G स्मार्टफोन का, जिनकी कीमत दोस्तों आपको देखने को मिलेगी 15,000 रुपये से भी कम। दोस्तों एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये दोनों ही स्मार्टफोन इंडियन मार्केट के टॉप 2 स्मार्टफोन हैं जो 5G ग्रेड में आपको 15,000 से कम की कीमत में प्रोवाइड कराते हैं। अगर दोस्तों इनकी बात करें तो पहला है रियलमी 9 5G और अगला है पोको M4 प्रो 5G। दोनों ही स्मार्टफोन 2022 में लॉन्च हुए हैं। अगर रियलमी की बात करें तो वो लॉन्च हुआ था हमारा 10 मार्च 2022 को, और साथ ही पोको का स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था हमारा 22 फरवरी 2022 को। मतलब दोनों ही स्मार्टफोन आपको 2022 वाले देखने को मिलते हैं। तो हाँ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दोनों ही स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों, कंपैरिजन की शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि वीडियो के बीच में आपके लिए कमाल की चीज भी आने वाली है जो आपके काफी फायदे वाली होने वाली है, उसको देखना बिल्कुल भी ना। कंपैरिजन की शुरुआत करें दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन के प्रोसेसर से। दोस्तों प्रोसेसर की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही स्मार्टफोन में MediaTek का Dimensity 810 प्रोसेसर दिया गया है, जो कि दोस्तों आपको देखने को मिलता है 2.4 GHz की क्लॉक स्पीड पर। साथ ही दोनों ही स्मार्टफोन में सेम ग्राफिक कार्ड दिया गया है, यानी कि दोस्तों गेमिंग परफॉर्मेंस आपको रियलमी और पोको की दोनों की एक जैसी देखने को मिलती है, यानी कि अच्छी देखने को मिलती है। 2.4 GHz का जो प्रोसेसर है वो आपको काफ़ी अच्छी गेमिंग प्रोवाइड कराता है, और प्रोसेसर की जो क्लॉक स्पीड है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। इसलिए गेमिंग के लिए आप दोनों में से कोई भी स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। वहीं दोस्तों अब बात करें दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले की। सो डिस्प्ले में दोस्तों अगर मैं बात करूँ रियलमी 5G की, यानी कि रियलमी 9 5G की, तो उसके अंदर 6.5 इंच की एक फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि दोस्तों आपके 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलती है। यानी कि डिस्प्ले आपको ठीक ठाक देखने को मिलती है, ज्यादा खास भी नहीं देखने को मिलती। पोको M4 Pro की बात करें तो उसके अंदर 6.6 इंच की एक फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले है, जो कि दोस्तों आपको देखने को मिलती है 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ और Gorilla Glass 3 की प्रोटेक्शन। यानी कि देखा जाए तो डिस्प्ले आपको पोको के स्मार्टफोन की थोड़ी सी सही लेकिन अच्छी देखने को मिलती है, क्योंकि साइज और Gorilla Glass 3 प्रोटेक्शन वो आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। यानी कि डिस्प्ले के मामले में हमारा पोको M4 Pro अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि उसके अंदर आपको मजबूती भी देखने को मिल जाती है, साथ ही उसकी ब्राइटनेस वो भी आपको उसके अंदर अच्छी देखने को मिली। वहीं दोस्तों आ जाते हैं आप कैमरे की तरफ। सो कैमरे में दोस्तों बात करें रियलमी 9 5G की, पहले तो उसके अंदर ट्रिपल स्लॉट कैमरा सेटअप है, प्राइमरी सेंसर है 48 का, 2 का माइक्रो लेंस है और 2 का ही एक डेप्थ सेंसर दिया गया है। फ्रंट में 16 MP की पंच होल डिजाइन वाली सेल्फी देखने को मिलती है। अगर हम बात करें पोको M4 Pro की तो उसके अंदर 2 कैमरे दिए गए हैं, बैक में प्राइमरी सेंसर 50 का और 8 का एक अल्ट्रा वाइड लेंस, फ्रंट में इसमें भी 16 MP की सेल्फी है पंच होल डिजाइन के साथ। सो कैमरे की दोस्तों अगर हम बात करें तो रियलमी के स्मार्टफोन में आपको 3 सेंसर दिए गए हैं, तो वहीं आपको पोको के स्मार्टफोन में 2 सेंसर दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो वो दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन में लगभग आपको टाइस ही देखने को मिलती है, कोई ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत बेनिफिट आपको कैमरे में पोको के स्मार्टफोन में अच्छा देखने को मिलता है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा कि बीच में एक कमाल की चीज मैं आपको बताने वाला हूं, तो सुनिए दोस्तों, पोको M4 Pro जो स्मार्टफोन है वो हमारा रेडमी नोट 11T 5G का ही एक रीब्रांड वर्जन है। क्या आप ये बात जानते थे? इस बारे में कमेंट जरूर करें। और हाँ, अगर आपको ये नहीं लगता है, जैसे कि मैंने आपको इसके स्पेसिफिकेशन बता दी हैं पोको M4 Pro के और आप देख भी रहे हैं, तो यही चीज़ आप फ्लिपकार्ट अमेजन कहीं भी जाके एक बार रेडमी नोट 11T 5G के भी चेक करके देख सकते हैं, मेरी बात पर यकीन हो जाएगा। तो कैमरे पे आ जाते हैं दोस्तों, कैमरे में आपको देखने को मिलता है पोको का स्मार्टफोन थोड़ा सा अच्छा, लेकिन अगर आप लेना चाह रहे हैं रियलमी का तो हाँ बेझिझक ले भी सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा माइनर फर्क इतना तो कोई उससे फ़ायदा फर्क नहीं पड़ता, तो आप पोको का भी ले सकते हैं रियलमी का भी ले सकते हैं, लेकिन मेरी एक पर्सनल चॉइस रहेगी कि आप पोको के स्मार्टफोन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाए। और वहीं दोस्तों आ जाते हैं दोनों स्मार्टफोन की बैटरी की तरफ। बैटरी में दोनों स्मार्टफोन में 5000 mAh की एक बैटरी दी गई है। वहीं आपको अगर मैं बता दूं पोको के स्मार्टफोन में आपको 33 वोल्ट का चार्जर देखने को मिलता है, रियलमी 9 5G के अंदर आपको 18 वोल्ट का देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन की स्टोरेज को आप 1 TB तक बढ़ा सकते हैं SD कार्ड के जरिए। स्टोरेज टाइप अगर मैं बताऊं तो रियलमी 9 5G के अंदर UFS 2.1 देखने को मिलती है, पोको के स्मार्टफोन में UFS 2.2 देखने को मिलती है। ये अच्छी बात है, थोड़ी सी तो अच्छी, लेकिन दी तो सही, कम से कम और अच्छी दी जा सकती थी। वहीं दोनों स्मार्टफोन साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आते हैं, वाईफाई ब्लूटूथ GPS जैसे फीचर्स दोनों में ही दिए गए हैं, इस बात की टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। दोस्तों ये तो हो गए दोनों स्मार्टफोन के फीचर्स कंपैरिजन। अब दोस्तों आखिरी में बात करें कीमत की। कीमत में दोस्तों जैसे कि मैं आपको शुरू में ही बता ही चुका हूं, दोनों स्मार्टफोन 15,000 से कम की कीमत में आते हैं। सो रियलमी 9 5G आपको 2 वेरिएंट में देखने को मिलता है। पहला वेरिएंट आपका है 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज, कीमत उसकी देखने को मिलती है 14,999 रुपये, यानी कि 15,000 से कम। अगर थोड़ा ज़्यादा खर्च कर सकते हैं तो 17,499 रुपये में 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज ले सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस कीमत खर्च करेंगे तो आपको कोई और स्मार्टफोन इससे अच्छे देखने को मिल जाएंगे, इससे अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ। अगर पोको M4 Pro की बात करें तो उसमें 3 वेरियंट दिए गए हैं। पहला वेरियंट ही आपके काम का है, जो कि 14,999 रुपये में 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज देता है। दूसरा वेरियंट आपको 16,999 में देखने को मिलता है, जिसमें 6GB और 128GB देखने को मिलती है, और इसका
इसका तीसरा वेरियंट 18,999 में देखने को मिलता है, उसमें आपको 8GB रैम 128GB देखने को मिलती है। मैं तो कहूँगा ये 8GB वाला और 6GB वाला मेरे समझ से तो परे है, आप जाएँ सिर्फ 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज की तरफ, क्योंकि अगर आप 6128 की तरफ जाएंगे तो आप कई और स्मार्टफोन ले सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको रियलमी के बारे में बताया। तो हाँ, अगर आप 15 से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो आपके और भी कई चॉइस होने वाली है, लेकिन 15 से कम की कीमत में ये दो बेस्ट स्मार्टफोन है, 5G के साथ साथ कमाल की गेमिंग प्रोवाइड कराते हैं और कमाल की फीचर्स देते हैं। सो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको कौन सा स्मार्टफोन है ज़्यादा पसंद आया इस बारे में कमेंट करूँ करिएगा, देखते हैं आपकी चॉइस कौन सी रहेगी। मैं दोस्तों एक पर्सनल आपको चॉइस करना चाहूँगा कि आपने एक बार रियलमी के स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बार और बता दूँ, अगर आपको कैमरे में थोड़ी सी भी अच्छी चाहिए, फिर बैटरी थोड़ी मतलब फास्ट चाहिए, थोड़ा सा अच्छा चाहिए, तो आप पोको के स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन रियलमी का स्मार्टफोन आपके लिए अच्छा भी रहेगा। और हाँ, क्योंकि रियलमी अपने स्मार्टफोन में जल्दी जल्दी अपडेट देता है, एक ये चॉइस हो सकती है रियलमी की तरफ जाने में, बाकी आप पोको के स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको जब रियलमी के स्मार्टफोन के बारे में बताया था कुछ दिन पहले एक वीडियो में, तो मैंने उसको एक अच्छा स्मार्टफोन ही बताया था, लेकिन उस टाइम कंपैरिजन नहीं करा था हमने। आज दोस्तों कंपैरिजन में नतीजा ये निकलता है कि पोको स्मार्टफोन आपके लिए अच्छा है, पोको M4 Pro, क्योंकि दोस्तों इसमें कई चीज़ आपको अच्छी देखने को मिलती है और कई चीज़ आपको रियलमी के अच्छे में देखने को मिलती है, लेकिन डिजाइन ही सही नहीं होता, बाकी और भी चीज़ चाहिए होती है। प्रोसेसर दोनों में सेम है, डिस्प्ले साइज लगभग सेम है, लेकिन जो परफॉर्मेंस है डिस्प्ले यानी कि गूगल ग्लास 3, वो आपको पोको के स्मार्टफोन में देखने को मिलती है। ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि आपको पोको M4 Pro की तरफ जाना चाहिए, यानी कि आपको पोको M4 ही लेना चाहिए। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दोस्तों ऐसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।